गाइस, दिस इज डे टू दिवाली व्लॉग एंड सबसे बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। एंड अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है बिकॉज कल रात भी हम सोई नहीं आए ना कि तबीयत खराब हो रही थी। मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सो गई थी, बट दो घंटे मैं भी नहीं सोई हूँ, 4:30 से 4:30 बजे तक ऐसा, मतलब पता नहीं इतना, 1-1.5 घंटे के बीच में। एंड मैं ना कब से 1 घंटे से भी ज़्यादा से ऊपर आ रही हूँ कि मैं नहाने गई हूँ ऊपर और वीडियो एडिट कर रही थी छोटी दिवाली वाला। जस्ट वीडियो अभी कंप्लीट हुआ है तो आप लोगों को व्लॉग मिल जाएगा 4 से 5 बजे के बीच में आज शाम को। एंड दिवाली कल सब चले गए थे तो आज कोई भी नहीं आने वाला, तो आज हम ही जाएंगे शायद अध्ययन लोगों के यहाँ। एंड आज की दिवाली थोड़ी बोरिंग ही जाएगी बिकॉज आज कुछ है नहीं करने के लिए। कल कज़न्स आए थे, आप जैसे व्लॉग में देख लेंगे तो बहुत मज़ा आया था, बहुत चुम्मेश्वरी दिवाली। फिलहाल मैं जाती हूँ नहाने के लिए एंड उसके बाद दीदी बना रही रंगोली, मैं दीदी की हेल्प करूँगी एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हूँ उसको, तो अभी मैं उधर जा रही हूँ। मम्मी मुझे कंटिन्यूसली आवाज़ लगा रही है ऊपर नीचे 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 नीचे, तो फटाफट से चलते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और मज़े करते हैं। तो जस्ट मैं अभी नहा गई हूँ एंड नहाने के बाद मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए बिकॉज दीदी अकेले अकेले रंगोली बना रही है तो उसको मेरी हेल्प चाहिए होगी। उसके बाद मुझे बनाना है लंच, तो फिलहाल मैं जाती हूँ रंगोली बनाने के लिए। और आप ये सोच रहे हो मैं इधर कहाँ देख रही हूँ, तो मैं मिरर में एंगल देख रही हूँ कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिलहाल मैं देखती हूँ और देखते हैं कैसी रंगोली बन रही है क्योंकि मैं बहुत, उसके बाद मैं अध्ययनों के जाना है रंगोली बनाने के लिए, तो जो काम हमें यहाँ कर रहे हैं वहाँ भी करना पड़ रहा है बिकॉज भाउज वहाँ पर नहीं है अभी। तो चलते हैं अभी फटाफट से और रंगोली बना देगा। अभी हुआ है फ्रूट टाइम, तो मैंने अमरूद काट दिया है सबके लिए एंड अब खाएंगे अमरूद सबके सब बिकॉज 1 बजे खा रहे हैं हम। आज फ्रूट टाइम हो रहा है हमारा बहुत लेट बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं सब। सबसे पहले बजी को दे देते हैं, बजी मस्त लेटी है धूप में, लो बजी खाओ। हरी चटनी भी लगा दी है मैंने, एकदम मैंने ही पीसी थी परसों। तो गाइज हो चुकी है रात एंड दिन भर कुछ किया नहीं है खास, तो इसलिए कुछ दिखाया भी नहीं है। छोटी वाले पकौड़े पकौड़े मम्मी ने बनाए और अब दीदी ने बोला है कि चल थोड़ा सा कुछ नए कपड़े पहन ले, वैसे मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी ऐसा पहने ट्रेडिशनल सा, तो फोटो वगैरह खिंचाएंगे और दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। सो या मैं ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है मेरा कि क्या पहनूंगी ऐसा कुछ, तो अभी देखते हैं दीदी के ही वार्डरोब में झांक के कि कुछ है, मतलब कुछ मिलता है या नहीं। सो ये हो चुकी हूँ मैं रेडी और मैंने रेडी होने में ना कम से कम सिर्फ 10 मिनट लगाए बिकॉज मेरे को ऐसे ही सूट मिल गया तो मैंने पहन लिया और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या तबाही हो रही है उधर, लेट्स गो। और एक और चीज़, मैं रेडी तो हो चुकी हूँ उसके साथ ही, मंदिर वगैरह से हम आ गए थे और मतलब हमने अपना वैसा काम कर लिया, दिए वगैरह हमने लगा दिए, अब हम मोमबत्ती लगाते हैं और फोटोशूट करते हैं। मैं आपको एक अपना घर का लुक भी दिखा देती हूँ कि घर मेरा कैसा लग रहा है, हमने कैसे कैसे डेकोर किया था। फाइनल लुक इज इन वीडियो और अध्ययन से भी मिला देते हैं आपको, कल अध्ययन का बर्थडे है सो बर्थडे भी होगा कल। एंड दिस क्यूटी, वाओ कितनी क्यूट रंगोली बनाई है यूने, सारा का सारा खराब कर दिया रंगोली आया ना। ओ वो रंगोली का कलर बजी के लगा रही है, ये क्या कर रहा था बजी आपके आया ना क्यूटी, इसने सारी रंगोली खराब कर दी हमारी। आया ना हनी भी, हनी मेरा, हनी मेरा बनी, मेरा बनी मेरा प्यारा बच्चा। सो गाइस ओ वी आर रेडी एंड दीदी इज आल्सो रेडी एंड इसने अपने एंगेजमेंट का ड्रेस पहना है। तो हमने आज
आज सारे कॉस्ट्यूम, मतलब अपने कॉस्ट्यूम रिपीट किए हैं। एंड दिस इज सो फन गाइस। एंड अयाना को देखो, अयाना तो इतना ज़्यादा हमें इरिटेट कर रही है ना। एंड द व्यू, एंड हमारे पड़ोसी आएंगे भाऊजू लोग, उसके बाद हम फिर से फोटो खिंचा लेंगे ना। मैं अब, हाँ मैं अब सिनेमेटिक बनाती हूँ। ऑल अबाउट आवर दिवाली, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा फन नहीं होता शायद, अगर मे बी अगर हम अध्ययन हो गया गए तो थोड़ा हो सकता है। सो ऐसे ही होता है, बस खाओ पियो मौज करो। और क्रैकर्स भी, मतलब जो बॉम्ब थे हमने कल जला लेते, वो भी मामा के बच्चों की वजह से, वरना करते ही नहीं है कुछ भी। तो अभी देखते हैं अध्ययन की मम्मी लोग आते हैं या नहीं आते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर देम एंड विल सी यू। एंड अंदर चलते हैं, ठंडी भी लग रही है। दिस इज़ दिवाली स्पेशल थाली। ये है दही बड़े एंड ये है आलू की सब्जी, पूरी, अचार, फीनी जो कि हमने मेहनत से बनाई थी, ये है बहुत टेस्टी हो रही है, मैंने खाई भी थी दिन में। सो ये फुल भरपूर थाली मात्र 20 रुपये में गाइस, बम्पर ऑफर, दिवाली ऑफर मेड बाय हर। ओ ये तो बदल गई। मेकअप नहीं किया था मैंने, ठीक है ना। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आउटफिट बोलने वाली थी, मेकअप तो मैंने भी नहीं किया था। हम जैसे, अरे मुनी मैया जो को देख लियो। एंड द क्यूटी हनी इज आल्सो हियर, ही इज वेटिंग फॉर द फूड, ही वांट्स टू ईट द फूड, यू वांट टू ईट द, लो आयू आयू उधर। तो हम खाना खाते हैं और मस्त जीते हैं। ये अपने हस्बैंड जी को भेज रही है फोटो, हस्बैंड जी को। हां या ऑफ कोर्स, ही इज माय लाइफ। ओ धूम धड़ ना 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 ना, ही विल ईट। मेरे पापा गए अपने दोस्त के घर। सो गाइज मैं खाती हूँ फटाफट से, बिकॉज बहुत भूख लगी है। फीनी खा के दिखाऊं आपको, वेरी क्रंची, वेरी यम्मी। क्या मिलता है खाना खाने के बाद? अब वैसे कुछ है नहीं, बचानी है, क्योंकि अध्ययन और आए थे, वो बाहर से बाहर चले गए बिकॉज उनको जाना था इमरजेंसी निकले, वो चले गए। एंड कल अध्ययन का बर्थडे है, तो कल देखते हैं हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए सरप्राइज वरप्राइज। फिलहाल मैं खाना खाती हूँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अगर कुछ नया हुआ तो, वरना सी या इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो गाइस ये काजल मेरी मम्मी ने बनाई है, और मम्मी ने बोला है काजल लगा के ही सोना है, तो मैं भी काजल लगा लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा आँखों में लगती है। मम्मी कहती है काजल लगाने से अच्छा होता है दिवाली वाले दिन, क्योंकि आज बोलते हैं ना अमावस्या की रात भी होती है, तो इसलिए कैसे लगाऊँ। Oh my God! ठीक। अभी थोड़ा लाइनर भी लगा लेती हूँ। How's I'm looking, guys? So guys, I hope करती हूँ आपको मेरा day one and day two vlog पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया होगा तो चलो लाइक कर दो जब देख ही लिए पूरी वीडियो तो, एंड जाके सब्सक्राइब भी कर दो। और जितना हो सके कंटिन्यू रहती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि उसी दिन, अगले दिन से मैं डिसकंटिन्यू हो जाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सबसे मेन चीज़, बजी की कॉमेडी का बजी हमने रंगोली के कलर के लगा रखे हैं, ने बजी के रंगोली के कलर लगा रखे हैं, और हमारी नेपाल की हीरोइन लगा दी अब काजल। इनका काजल देख के आप लोगों को बहुत हंसी आई है, क्योंकि हम हर साल हंसते हैं इनका काजल देख के। ओ
अभी बजी एक लुक देगी प्यारा सा स्माइल करते हुए इधर। बजी स्माइल कर रहा नहीं लग रहा बजी ये ये तो देखो चुम्मा दे दो चुम्मा चुम्मा दे दो एक चुम्मा दे दो ना दो ना बजी दो ऐसे तो कर दो